घर में सारी सब्जियां खत्म हो चुकी है और मेरा ना बाजार जाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तभी ना मुझको घर में थोड़े से पापड़ नजर आए, तो मैंने सोचा है क्यों ना एक ये बहुत पुरानी डिश बनाई जाए जो कि मेरी मम्मी तब बनाती थी जब मैं बहुत छोटी थी और हमें बहुत पसंद थी। इसके लिए यहाँ पर मैंने दो उड़द दाल के पापड़ लिए हैं, तो आप चाहो तो मूंग दाल के भी ले सकते हैं। और ये बड़े साइज़ के पापड़ हैं इसलिए मैंने दो लिए हैं, अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप तीन ले लें। और अब हम इन पापड़ों को इस तरह से कपड़े से दबा दबा कर धीमी आँच पे सेक लेंगे और इनको ना बिल्कुल क्रिस्प कर लेंगे। तो या तो आप पापड़ को इस तरह से कपड़े से दबा दबा के सेक सकते हैं, और या फिर आप इसको डायरेक्ट आंच पे भी सेक सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए पापड़ों को मैंने अच्छे से सेक लिया है और एकदम क्रिस्प हो गए हैं। अब हम इनको तोड़ लेंगे। तो आज हम ना बहुत फेमस राजस्थानी पापड़ की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है पापड़ों को ना तो बहुत ही छोटे छोटे साइज़ में तोड़ना है और ना ही बहुत बड़े बड़े। अब हम इन पापड़ों को साइड में रखेंगे और एक मिक्सिंग बोल लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1 कप दही। तो ये फ्रेश दही है और ये रूम टेम्परेचर पे है, तो आप फ्रिज से निकला हुआ एकदम ठंडा दही नहीं लें, नहीं तो ग्रेवी में जाके वो फट सकता है। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, आधी टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और बस अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बेसिक तैयारी हो गई है, हम इसको साइड में रखेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक पैन में सरसों का तेल अच्छे से गरम किया है, इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और इनको बस हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और प्याज को ना हमें अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक भूनना है। वैसे क्या आपने कभी ये सब्ज़ी खाई है? अगर नहीं खाई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती है तब आप कौन सी सब्ज़ी बनाते हो, मैं भी उसको ज़रूर ट्राई करके देखूंगी। तो ये देखिए प्याज बहुत अच्छे से भुन गई है और मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये मसाले वाला दही जो हमने तैयार किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि गैस को ऑफ करके ही आप इसमें दही मिलाएं, नहीं तो दही जो है फट जाएगा पूरा ग्रेवी में और ग्रेवी ठीक नहीं बनेगी। और बस अब हम इस दही को बहुत अच्छे से चलाएंगे और हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ ना होने लगे। तो अब आप देख सकते हैं कि दही ने कितना अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है, तो इतना हमें भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब्ज़ी ना टेस्टी नहीं बनेगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के कसूरी मेथी, साथ में इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इनको अच्छे से मिक्स करना है। और अब ये जो दही वाला बर्तन था ना, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, ये लेके हम इसमें डाल देंगे, इसको फिर से मिला लेंगे। तो ये पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। तो एक्चुअली सब्ज़ी ना बहुत पतली तो नहीं बनती है, हल्की सी गाढ़ी ही रहती है। तो बस अब हमें गैस की फ्लेम को एकदम धीमे कर देना है, पैन को कवर कर देना है और 2 से 3 मिनट तक इस सब्ज़ी को अच्छे से खौला लेना है। सब्ज़ी में अच्छे से बॉयल आ रहा है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से ग्रेवी बन के तैयार है। ये देखिए आप, तो अभी आपको ये थोड़ी पतली लग रही है ना, जैसे हम इसमें पापड़ डालेंगे ना ये बहुत थिक हो जाएगी। तो बस अब हमें क्या करना है, ये जो पापड़ हमने तोड़ के रखे थे ना हम इसमें डाल देंगे, साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया। और इस टाइम हम गैस को ऑफ कर देंगे, पापड़ को ना अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और बस ये सब्ज़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जब भी आपको सर्व करना हो ना उससे सिर्फ 5 मिनट पहले ही इसमें पापड़ डालें, तभी इस सब्ज़ी को खाने में मज़ा आता है। तो बस हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। तो मेरा तो आज का लंच बनकर बिल्कुल तैयार है। ये पापड़ की सब्ज़ी बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार, एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। और ट्राई अगर आप करें तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।